दोस्तों नमस्कार, किताबी दुनिया में आपका स्वागत है। आज किताबी दुनिया की जो श्रृंखला है बतकही, इसमें हमारे साथ आज हैं अर्णव सौरभ जी। एक युवा कविता में जो नया चेहरा है, ये यूँ कह सकते हैं कि जो इस समय कुछ नए वितान रच रहा है, उसमें हम अर्णव सौरभ जी की कविताओं को देखते हैं, पढ़ते हैं। उनको पढ़ना, अपने समय की बहुत सारी उन चीज़ों को पढ़ना है जिनकी तरफ हमारा ध्यान कई बार नहीं जाता है। उनकी कई प्रसिद्ध कविताएं जैसे यमन राग है, एक उनकी जो अभी 2017 में जो एक लंबी कविता प्रकाशित हुई थी, जिसे हम इस रूप में भी जानते हैं कि एक मूर्ति के रूप में तो जानते थे, लेकिन एक मूर्ति को देख करके कि कवि की कल्पना इस तरह से निर्मित होगी और कविता का स्वरूप आद्य कविता के रूप में अपना आकार लेगी, इसके पहले हम इस तरह से नहीं देख पा रहे थे। मैं इस कविता के हवाले से और बहुत कुछ अपने समय समाज की जो समस्याएं हैं, जो प्रश्न हैं, उनसे हम रूबरू होंगे, खास तौर से अर्णव सौरभ जी के माध्यम से। हम जानना चाहते हैं कि जो ये कविता है, इस कविता की जो रचने की प्रक्रिया है, कि वो कौन सा ऐसा मौका था जब ये कविता आपके दिमाग में प्रस्फुटित हुई। जो 2012 में वैसे इसे लिखना शुरू किया था मैंने, बचपने में जब मैं देखता था तो एक मत्स्यगंधा तालाब है सहरसा में, जिसके आगे में इस प्रस्तर प्रतिमा को खड़ा किया गया। ये मेरे बचपन के दिन थे जब मैं छठी सातवीं में पढ़ता हूँगा। उस समय उस मूर्ति को वहाँ पर स्थापित किया गया, दीदारगंज की यक्षिणी की उस मूर्ति को। वो स्मृति मेरे दिमाग में थी और मैं यह भी देखता था कि वो प्राचीन भारत की इतनी खूबसूरत मूर्ति को पटना संग्रहालय से कॉपी करके देश के एक बहुत बड़े स्कल्पचरिस्ट थे अनिल पृथ्वी, उन्होंने बनाया था। और उस मूर्ति के साथ जो वहाँ का व्यवहार था लोगों का, वो मुझे बचपन से खटकता था। कोई पान गुटखा फेंक देता था उस मूर्ति के कमर पर, कहीं घुटने पर, कहीं पैरों के नीचे। तो ये जो चीजें थी, ये मेरे किशोर व बाल मन से वो उसे सहज रूप से ग्रहण नहीं कर पा रही थी। एक तो अवचेतन में वो चीजें थी, दूसरी बात कि जब मैंने 2012 में मेरे दिमाग में ये चीज आई कि एक जब लंबी कविता लिखते हैं तो क्यों ना एक एंशियंट इंडियन क्लासिक्स को ध्यान में रख करके कुछ काम किया जाए। पर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि तब तक मुझे प्राचीन भारत की कोई ठीक ठीक समझ थी नहीं, क्योंकि मैं IHC का विद्यार्थी भी नहीं था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जितनी इतिहास संबंधी किताबें हैं उसे पढ़ने की कोशिश की। RS शर्मा, रोमिला थापर, इरफान हबीब, यहाँ तक कि मतलब जो और भी जो हिस्टोरियंस हैं बहुत सारे, और BHU की लाइब्रेरी से बहुत सारी सामग्री मुझे वहाँ हमारे एक मित्र अनूप भारद्वाज ने उपलब्ध करा दी। तो करीब 4-5 हजार पन्ने की सामग्री मेरे पास इकट्ठी हुई और फिर उसके बाद मैंने उस पर लिखने का काम शुरू किया। और कविता बनते बनते पहले नाटक लिखने की योजना बनी, फिर लगा कि नहीं नाटक नहीं, कविता ऐसे लिखी जाए। फिर दिमाग में आया कि उपन्यास लिखते हैं, फिर मैं मतलब कई बार उस विचलन में रहा। आखिरकार ये 4.5 वर्ष में ये कविता पूरी हुई, मतलब लिखते लिखते, और उस बीच में मैं और कोई काम नहीं किया, सच बताऊं तो लिखने संबंधित। ये कविता अपने आप में कई सारे सवाल उठाती है, जैसे कि जो मौर्य साम्राज्य का पतन है और शुंग वंश की स्थापना है जिस तरह से होती है जी, उसमें कई सारी चीजें हैं कि अब दार्शनिकों के साथ व्यवहार क्या होगा, बौद्ध भिक्षुओं के साथ व्यवहार क्या होगा, और कमोबेश सत्ताओं का जो चरित्र है इसी से मिलता जुलता हमको दुनिया भर में देखने को मिलता है जी। और उसमें बचाने की जो बात आती है तो यक्षिणी कहती है कि मेरे बिना तुम यक्ष नहीं रहोगे, कुछ भी बन सकते हो। अब ऐसे में जो आज की स्थितियां हम देखते हैं, तो क्या ऐसी कोई और पात्र आपको या ऐसी कोई और भाव आपको दिखाई पड़ता जो इस तरह के सवाल करता हो? देखिए, वो तो 3 चीजें इसको इसके संदर्भ में विनोद तिवारी जी ने कोट की है कि एक मतलब इतिहास है, एक मिथक है, तीसरा कवि समाज समय समाज है।
तो ये तीनों चीजें दरअसल में उन्होंने बहुत सूक्ष्मता से इसे देख करके उन्होंने बातें कही थी। तो मेरे जो सवाल आपका है कि इस तरह की चीजें आप आज का जो हमारा सवाल समय समाज है और जो सवाल है उसे हम किसी भी रूप में किसी भी मूर्ति के रूप में हो चाहे वो कला के किसी माध्यम में हो उससे हम वो सवाल पैदा कर सकते हैं। सर्जना प्रक्रिया दरअसल वही है जो अपने युगों में एक मुकम्मल सवाल पैदा करे। विक्रेताएं जब भी बात करती हैं जैसे किसान की बात होगी तो सबसे पहले उसकी जमीन पर नजर होती है, जब कला की बात होती है तो उन सारे विचारों पर नजर होती जो उसके विरोध में। क्या कारण है कि जो कलाकार है या जो कवि का जो मन है वो बार बार उनके प्रतिरोध में खड़ा होता है और वो किसी भी भाव को उठाता है लेकिन एक उसका पक्ष निर्मित होता है। मूर्ति का एक जो अर्थ है वो समाज में है कि उनके लिए कुछ और है और आप इस मूर्ति के माध्यम से एक आपका पक्ष है, तो क्या कहना चाहते हैं कि हमें इसको और ये सवाल दरअसल में ये सवाल भी है और जवाब भी है और बेहतरीन रूप में मैं इसे देख रहा हूँ जो आपने उठाया है। देखिए सत्ता जब भी रहेगी और जो सर्जना प्रक्रिया रहेगी जो रचनात्मकता रहेगी, रचनात्मकता हमेशा समाज के जो सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो अंतिम व्यक्ति है, हक हुकूक से वंचित जो व्यक्ति है, अधिकारों से जो वंचित व्यक्ति है, सर्जना प्रक्रिया वहां से शुरू होती है। और हम कभी यह उम्मीद ना करें कि सत्ता हमेशा आपके फेवर में रहेगी। तो प्रतिरोध जो जैसी जो चीजें हैं, इसीलिए एक शब्द हिंदी ने इजाद, मतलब बहुत शानदार शब्द है यह प्रतिरोध। यह दरअसल में निषेध नहीं है, विरोध नहीं है, प्रतिरोध हमेशा रचनात्मक होना चाहिए। कविता में जो निचड़ी की जो कवि का प्रेम है काफी उग्र होकर के आता है। उग्र होकर इस तरह से, अच्छा, जैसे आप उसके साथ सारी चीजें प्रेम चाहते हैं। हम आमतौर से दूसरे संबंधों में हम देखते हैं जैसे प्रेम प्रेमिका के संदर्भ में जी, लेकिन जब यक्षिणी की तरफ से कभी बात करता है तो उसका जो भाव एकदम बदल जाता है। इन दोनों के बीच अगर हम देखें तो हमारी पितृ सत्ता भी काम करती है। जो पितृ सत्ता को सामाजिक उसका जो पक्ष रहता है वो उग्र रहता है। तो एक कवि की नजर से अगर देखा जाए तो क्या यहाँ पर पितृ सत्ता का दबाव यक्ष में दिखाई पड़ता है? असल में यह सोच करके या मेरे अवचेतन मन में भी इस तरह की बातें नहीं थी। मैंने तो यक्षिणी को बहुत शक्तिशाली ढंग से देखने की कोशिश की है, क्योंकि वो कहती है यक्ष को, एक जगह संवाद भी है कि शक्ति की आवश्यकता तुम्हें जब जब होगी मैं दूंगी। यक्ष वह पराजित यक्ष है, मतलब अपने समय समाज से हारा हुआ पराजित एक यक्ष है। लेकिन जो यक्षिणी है वो बहुत शक्तिशाली है, वैभव है, वैभव की देवी है। मतलब देवी के रूप में अगर आप ना भी देखें तो वो यक्षिणी के रूप में देखिए कि वो खुद ही, आपने जैसी जिस पंक्ति को उठाया कि मेरे साहचर्य के बिना तुम देवता हो सकते हो, खग मृग कुछ भी हो सकते हो लेकिन यक्ष नहीं हो सकते, मतलब तुम्हारा जो अस्तित्व है वह मेरे अलावा संभव नहीं है। और इसमें पंक्ति है कि तुम्हें देखना अब शास्त्रों की तरह नहीं होगा। जब मतलब आप इसको पूरे, मतलब कहीं पर भी पितृ सत्ता से सीधे सीधे यक्षिणी टकराती है। और वो जो सारे बिंब जो कविताओं में आ रहे थे स्त्रियों को लेकर, गंग मतलब जल के समान निर्मल शांत धीरा, मतलब बहुत मुग्धा नायिका, मेरी कविता खास करके इस कविता में सारे बिंब उलट है। अगर आपने देखा ही होगा कि एक जगह पर वो खुद ही कहती है कि मैं चट्टान सी कठोर और पर्वत शिखरों की तरह उन्नत हूँ, समुद्र की तरह। अब समुद्र और यह सब जो बिंब आता है, पर्वत शिखर, ये सब दरअसल में ये पौरुषपूर्ण प्रतीक माना जाता है। उसको मैंने एक स्त्री के लिए ऐसी कल्पना की थी जी।
इस कविता में एक दिन आया हूँ कि बड़ा सा हाथ है, हाँ ये किसका प्रतीक है? आप अगर उस मूर्ति को देखेंगे उसका हाथ टूटा है जी, एक हाथ टूटा हुआ है। अब वह जो हाथ है, मुझे ऐसा लगा मेरे इमेजेस में वो चीजें आई कि वो एक ऐसा हाथ होगा जो कि सबको बचा लेगा, वो यक्षिणी का वो हाथ होगा जो कि अब जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा तो वो हाथ उसके लिए उठेगा, मुझे ऐसा लग रहा था। सभ्यता को बचाने की जब बात आती है तो महिलाओं की भूमिका हम बार बार देखते हैं जी, पिछड़ी भी यहाँ पर है, और अगर हम बाकी इतिहास को देखें तो वहां भी महिलाओं की भूमिका सबसे प्रमुख रूप में दिखाई पड़ती है जब संघर्ष में जाते हैं जी। लेकिन आमतौर से जब समाज की एक प्रक्रिया पूरी हो जाती है जी। और वैसे ही स्त्रियां हमें एक दूसरे तरह की धारा में हमें दिखाई पड़ती है जी। इस कविता में जैसे कहती कि यक्ष से कहती भी है कि तुम मुझे प्यार करो मेरी आंखों से देख करके, मेरे सुंदरता को देख करके। आमतौर से सौंदर्य के हमारे अपने मानक होते हैं कि हम अपनी नजर से सुंदरता को देखते हैं, स्त्रियों की नजर से सुंदरता की बात के पीछे कोई खास तर्क है या? यह जो आधुनिक जो स्त्रीवादी पाठ है, तो हम तो उस दौर में रह रहे हैं जब स्त्रीवाद का एक नया पाठ हमारे सामने में है। अब दुनिया स्त्रीवाद से बहुत, मतलब उसमें भी बहुत अल्ट्रा फेमिनिज्म से भी बहुत आगे निकल चुकी है, तो हमें अपने समय और रचना दोनों में बहुत कॉन्शस रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने बहुत कॉन्शसनेस के साथ आइडियोलॉजिकल कंसर्न लिया है। उसमें ये कहता है कि तुम मुझे उस रूप में देखो जैसे मैं चाहती हूँ, उस तरह नहीं जैसे तुम देखते आए हो। मतलब अब स्त्री को देखने का भी हमें एक जो मापदंड है वो बदलने की जरूरत है समाज में। हम स्त्रियों, पुरुष खास करके, आप उसे इस तरह ना देखें, किसी सामान्य स्त्री को भी को असहज हो जाए। तो एक यह भी कंसेप्ट, उसका संदर्भ लिया जा सकता है। एक संदर्भ यह लिया जा सकता है कि स्त्रीवाद का नया पाठ है जो समकालीन वैश्विक जो विचारधाराएं हैं उसके टकराहट का जो मसला है वो है। और तीसरी बात यह है कि एक शक्तिशाली स्त्री को देखने के लिए भी आपके पास टूल्स होने चाहिए। क्रियाओं और प्रयत्नों का एक नगर पाटी को जो देश को, समाज को सामूहिक आतंक से डराता रहा है, जहां जनता के मन बुद्ध विचारों पर अधिकृत होती गई सत्ता और अपनी तांत्रिक कला क्रिया से निरंतर सम्मोहित करती रही और अपनी उपलब्धियां गिनाती रही सत्ता। इसका पाठ मगध से हम आगे बढ़ जाएं, पाटलिपुत्र से आगे बढ़ जाएं और बाद की हम कई सत्ताओं में देखें तो हमें चीजें देखने को मिलती है जी। क्या कारण है कि सत्ता का चरित्र हमें लगभग एक दिखाई पड़ता है जी? हाँ, युग बदलता है, कहते हैं कि हम इतिहास भी अपने आप को दोहराता है, लेकिन कई बार इतिहास वही पाठ भी हमारे सामने प्रस्तुत भी करता है कुछ मायने में जी। एक कवि के नाते इसको कैसे देखते हैं आप? जो आपका प्रश्न है उसके साथ मेरी भी पूरी तौर पर मेरा उसके साथ पूरा एक सामंजस्य है, क्योंकि सत्ताएं एक जैसी होती हैं। आप, हम सब लोग इस चीज को मान लें, स्वीकार कर लें। लोगों को ऐसा लगने लगता है कि अमुक आ जाएगा तो फासीवाद आ जाएगा, फिर वो चला जाएगा तो फासीवाद का विनाश हो जाएगा, फिर दूसरा आएगा तो फासीवाद को समाप्त करने के लिए आएगा। दरअसल ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने अपने दौर में भी कई सत्ताओं को बनते बिगड़ते देखा है। सत्ता का चरित्र एक ही जैसा है। मगध जो प्रतीक है या पाटलिपुत्र जो प्रतीक है वो इसलिए है कि अखंड भारत की राजधानी, जो अखंड भारत है हमारा, उसकी राजधानी हमने पाटलिपुत्र देखा है। अब जो स्थिति उसको अगर आज वर्तमान में देखेंगे तो भी यही रहेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सृजनात्मक व्यक्तित्व को किसी व्यक्ति विशेष की सत्ता या दल विशेष की सत्ता आने जाने से बहुत उस पर अंतर नहीं होना चाहिए।
और इस उम्मीद में भी नहीं रहना चाहिए कि कोई तीसरा व्यक्ति है जब आएगा तो वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। समस्याएं और प्रश्न हर युग में युगानुकूल होंगे, और अगर आप सर्जना के क्षेत्र में हैं तो आपको उन प्रश्नों से टकराना ही पड़ेगा। जी, आपकी कुछ और कविताओं को हम देखते हैं, जैसे कि आपकी कविता धरती माता जी, आपने अपने शीर्षक लिया है, शीर्षक लिया हुआ है और महात्मा ने कहा है, जैसे उस वसंत के नाम है या यमन राज है। इन कविताओं को पढ़ते हम देखते हैं कि कई बार जब कवि उसमें जहां पर आता है वो एक इस समय की जो चिंताएं हैं, चाहे बेटी की चिंता हो चाहे धरती की चिंता हो, वो एकदम अपने आप को कई तरह से एक इस रूप में प्रस्तुत करता है कि इन अपराधों में मैं भी शामिल हूँ, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि बचा रहे। अब ये जो चिंता है, ये इस चिंता के पीछे क्या चीज है, कि बचाने की जो तड़प है इसके पीछे क्या चीजें हैं जो बचाने के लिए हम इतना बेचैन हैं? देखिए, कभी कोई समाज से बाहर नहीं है, और जब आप कविता लिखते हैं तो वो बिल्कुल सामाजिक प्रक्रिया है। हमें उन तमाम प्रश्नों से, उन तमाम घटनाओं से, उन तमाम पात्रों से, अपने आसपास हो रही तमाम गड़बड़ियों से एक हम दूरी बनाएंगे तो फिर रचेंगे क्या? इसीलिए हम उसमें धंसते हैं, उसमें घुस जाने के बाद, उतर जाने के बाद जब वह रचना में रिफ्लेक्ट होगी चीज, तो अपने अपने क्रिएटिव ढंग से भले वो रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आखिरकार हम सब लोग इस समाज के लोग हैं, और इस समाज की अच्छाई बुराई भलाई सबके लिए जैसे हर व्यक्ति जिम्मेदार है, उस तरह मैं भी जिम्मेदार हूँ। इस समय में हम यह नहीं कह सकते कि यहाँ जो चीजें घटित हो रही है उसमें जनता की गलती नहीं है। सत्ता बनाने की भी जिम्मेदारी, जब कहते कि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के लिए तो लोग भी तो हैं। जैसा मतलब तंत्र वैसा ही बनेगा जैसा लोग चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि लोगों के दिलो दिमाग को कोई तीसरा व्यक्ति जो होगा वो उसमें इतने गहरे उतर जाएगा, उसके लिए लोग भी तो जिम्मेदार हैं। उसके लिए मैं, आप, हम सब किसी न किसी रूप में जिम्मेदार हैं, इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागनी नहीं चाहिए। अपनी कविताओं में कई तरह के समाज आते हैं जी, जैसे चाय बागान की औरतें आती हैं, बिहार आता है, यूपी की बातें आती हैं जी। इसके पीछे तो आमतौर से कविताओं में कवि को उठाते हैं, उसके क्षेत्र को देखते हैं और समस्याएं उसके आसपास की होती हैं। आपकी कविताओं में इतने तरह के समाज आते हैं, तो सवाल बनता है कि इसके पीछे क्या कारण है? ये देशाटन करके लिखी गई है या कुछ और? दरअसल में मेरा भूगोल इसीलिए बड़ा है क्योंकि मैं भारत के विभिन्न इलाकों में रहा हूँ, और ले दे करके वो यूपी का भी समाज हो सकता है, बिहार का भी समाज हो सकता है, हो सकता है उसमें बंगाल का भी दृश्य दिख जाए आपको, कहीं असम और दार्जिलिंग के चाय बागान भी आ जाए। तो जहाँ मतलब देशाटन का मसला नहीं है, बल्कि लंबे लंबे समय तक जो मैं अलग अलग हिस्से में रहा उससे वो चीजें इस रूप में आई कि उन जो सांस्कृतिक भूगोल जिसे आप कहते हैं, मैं हर जगह से जिस जगह पे रहा वहाँ की जो स्थानीयता है वो मुझे उतनी ही आकर्षित करती रही जितनी मुझे अपनी जो क्षेत्रीय अस्मिता है वो। मैं असम से भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना अपने मिथिला से, मैं मध्य प्रदेश से भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना अपने मिथिला से, मैं जिन क्षेत्रीय इलाकों में उत्तर प्रदेश में भी रहा तो उन पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी उतना ही प्रेम है। लेकिन हाँ, कम ज्यादा तो हो ही सकता है क्योंकि व्यक्ति आप जब होते हैं तो व्यक्ति हमेशा गुणागणित करता है, तो हो सकता है क्षेत्रीय अस्मिता में जहाँ आप पैदा हुए हों, जिस समाज से आप आए हों, उस समाज के प्रति आकर्षण आपका भले ज्यादा रहा हो,
लेकिन मेरा कहीं कम उन दूसरे समाज से नहीं है जहां मैं रहा हूं। और ले दे करके हमारा एक समाज जो है उसका ताना बाना लगभग एक जैसा है, उसमें उस ताने बाने पे चीजें जो बुनी गई है, उस चरखे पर जो चीजें, मतलब सूत एक है, कपड़ा भले अलग अलग। चाहता हूँ कि अपनी प्रिय कविताएं कुछ दर्शकों को सुनाइए, जिससे उनको भी अच्छा लगे और हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि आपने कविता पढ़ने के लिए कहा है, तो जो मेरा अभी जो नया संग्रह आया है 2023 में ही, मेरी दुनिया के ईश्वर, उससे कुछ कविताएं पढ़ देता हूं। पहली कविता है खीज। मुझे खुद पर भारी खीज है, इस देश को मेरी जरूरत थी और मैंने कुछ खास नहीं किया, न कहीं राजपाट संभाला, न सत्ता पर राज, न किसी के दिल पर, न जाति धर्म की राजनीति कर सका, न जिंदगी और मौत के सौदागरों को हरा सका। मुझे खीज है, इस देश का अदना सा नागरिक भर रह गया, देश को लुटने दे दिया और तब तलक चुप रहा, जब तलक मेरे प्यारे देश को भून कर पका कर तस्तरियों में सजा रहे थे वे लोग नाश्ते के लिए, और देशभक्ति का सबूत नागरिकों से मांग रहे थे और मैं चुप था। मुझे खीज है कि मैं सिर्फ खीज कर रह गया और लुटता पिटता बिखरता रहा मेरा प्यारा सा देश। एक कविता है उत्प्लावन। जब अपने आसपास लोग दुनिया छोड़ रहे हो, कविता नहीं निकलती, हमारे दुखों पर मलहम लगाने, अपनों की लाश को कंधा देने, अपनों के लिए दवाई अस्पताल और किसी चीज की जरूरत पूरी करने, कविता नहीं आती, कविता नहीं आ सकती। जले पर नमक छिड़कने, भावनाओं को भड़काने, हमें उन्माद में ले जाने के लिए नहीं आती है कविता। कविता आती है अमन चैन और शांति के बीच, कभी शांत जल में विक्षोभ सी, कभी पानी के ऊपर बल पलावन। सतह से उठती चीजें सतह पर नहीं लौटती, न लौटती है उनकी यादें, न घाट, न सीढ़ियां, न पानी, सतह से पानी के ऊपर उठती है चीजें उत्प्लावन बल के कारण। स्कूल के किसी क्लास में विज्ञान के मास्टर जी ने सिखाया था, तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन है, नावों, जलियानों, गुब्बारों आदि के लिए उत्प्लावन बल लगता है। इसकी खोज जिस वैज्ञानिक ने की, वह इटली के सिराक्यूज की सड़कों पर नंगे पांव भागता रहा, सिराक्यूज की सड़कों पर भागता हुआ आर्कमिडीज कराह रहा है। सिराक्यूज की घेराबंदी के दौरान एक रोमन सैनिक ने की थी उस महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक की हत्या, जो कई सिद्धांतों का जनक था। आर्कमिडीज मारा गया और जिंदा रही उसकी खोज, जिंदा रहे उसके सिद्धांत, और शरीर से नहीं सिद्धांतों से अमर हो गया आर्कमिडीज। उस रोमन सैनिक ने अपने राज्य की वफादारी के लिए जिस आर्कमिडीज को मारा, उसे कौन जानता है। एक कविता छोटी सी है, वो मैं चाहता हूं पढ़ना, नानी की कहानी में देवराज इंद्र। चूंकि वो बच्चे और तमाम लोगों को वो पसंद आ सकती है, वो एक ऐसी कविता है जो नानी की कहानी में देवराज इंद्र। कठोरतम तप से किसी साधक को मिलने लगेगी सिद्धि, तो आपका स्वर्ग सिंहासन डोल जाएगा देवराज। बचपन में आपसे नानी की कहानियों में मिलता रहा हूं, जवान हुआ तो समझा कि सबसे सुंदरतम दुनिया की अप्सराएं, सबसे मादक पेय और अमृत आपके अधीन, जहां प्रवेश अत्यंत कठिन है मरणोपरांत, पर हरेक हृदय में
स्वर्ग की चाहना कामना इच्छा अपार, तिस पर एक छत्र राज प्रभु। नानी को गए बरसों बीत गए, नानी को गए बरसों बीत गए, पता नहीं उस स्वर्ग में बुढ़िया को जगह थोड़ी मिली कि नहीं, जिसकी हर कहानी में कमजोर लाचार और मोहग्रस्त पाया आपको, कि जिसके पास सबसे विशाल सुंदरतम दुनिया कठोरतम अस्त्र हो वह महानतम कायर होता है। इस एकमात्र बड़ी सीख के लिए आपको सदैव प्रणाम इंद्रदेव, आपको सदैव प्रणाम। जी तो हम लोग यहीं पर इस बतकही को विराम देते हैं जी, और जल्दी ही कुछ नई रचनाओं से पाठकों का परिचय होगा और हमारे समाज के जो सवाल हैं कुछ नई तरह से अरुणाव सौरभ जी उठाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ दर्शकों की बतकही अच्छी लगेगी, उनकी कविताएं अच्छी लगेंगी, और मैं चाहूंगा कि आप अपनी राय जरूर लिखिए जिससे कवि को पता चले कि समाज में कविता का जो मायने है वो क्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।